नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं ओल्ड सॉल्यूशन चैनल को। और गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपना जियो फोन को जो है रीसेट कैसे मारते हैं। ठीक है दोस्तों, जियो फोन को भी अगर रीसेट करना है, ये वाला अभी लेटेस्ट वाला मॉडल है जो भी आया था, तो इसको आपको रीसेट करना है। ओल्ड मॉडल भी कुछ इसी तरीके से रीसेट होता है, इसमें थोड़ा अपडेट वर्जन है, तो इसमें रीसेट कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो मतलब आपका मोबाइल जो है स्टोरेज वगैरह फुल हो गया है और इसे रीसेट करना है, लैग प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप भी इसको रीसेट करना चाहते हो तो इसको वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों। जियो के लगभग सेम मॉडल है ऐसे, तो उसमें सभी के अंदर सेम प्रोसेस है रीसेट करने का। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है रीसेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा वगैरह जो है दूसरे मोबाइल के अंदर ले लेना है। रीसेट से जो आपका जो सारा डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ईमेल आईडी वगैरह सारी हटा लेनी है। हटाने के बाद क्या करना है, और आपको चले जाना है सिंपली सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के अंदर आने के बाद क्या करना है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको फिर आपको रीसेट करना है। तो उसके बाद क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद क्या करना है, लास्ट में जो है डिवाइस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो, ये लास्ट में आपको जो आ जाना है डिवाइस के ऊपर, ठीक है। डिवाइस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिवाइस की जानकारी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। डिवाइस की जानकारी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, मॉडल देख सकते हो F320B है, ये वाला मॉडल है। और सॉफ्टवेयर वर्जन भी आप देख सकते हो 2.5.3.2 है। और सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो तो भी यहाँ से अपडेट देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो अपडेट के लिए जांच कर रहा है, तो यहाँ पे बता देगा आपको अपडेट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है, यानी कि अप टू डेट है यह मोबाइल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अधिक जानकारी में भी नहीं जाना है, वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, नीचे रीसेट फ़ोन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कर देना है रीसेट, ओके कर देना, ठीक है। ये हो चुका है रीसेट। 3-4 मिनट वेट करना है आपको, और वेट करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। रुको, थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होने देते हैं, ठीक है। देख सकते हो रीसेट हो रहा है, फैक्ट्री रीसेट, बिल्कुल सेम एंड्रॉयड की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, रीसेट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश, और नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश भी नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है, ओलो कर देना है, और एक्सेप्ट करते जाना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बताओगे स्किप कर देना है यहाँ पर आपको, और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। आपको मैसेज वगैरह सेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका हो चुका है मोबाइल का सेटअप कम्प्लीट, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से जो है आपको जियो का फोन जो है रीसेट कर सकते हो। जो खास बात मैं बता रहा था लास्ट में, इंपॉर्टेंट बात, तो वो है कि गाइस, आपको बैटरी जो है कम से कम आधी रखनी है, आधी से ऊपर रखनी है आपको बैटरी रखनी है, ठीक है। अगर कम रखोगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रैश होने का संभावना रहेगा। बाकी तो ओके है, कम्प्लीट हो चुका है प्रॉपर तरीके से रीसेट। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।